फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में कंट्रोल सेंटर को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। अब इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो आपको नीचे कंट्रोल सेंटर का ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे की साइड है नोटिफिकेशन सेट के सामने जो बटन है इसे आपको चालू कर लेना है, या फिर अगर चालू है तो इसे बंद कर देना है। तो देखिए, ये सेटिंग कैसे काम करेगी चेंज होने का मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए, अभी जो ये फिलहाल के लिए बटन बंद है ना, तो देखिए अब मैं अपने फोन की लॉक स्क्रीन पे रहूंगा, लॉक स्क्रीन पे आ चुका हूं, ठीक है। अब ऊपर से नीचे मैं स्वाइप करूंगा ना, तो देखिए ऊपर से कंट्रोल सेंटर ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे स्वाइप करने पे। अब देखिए यहां पर जो है, अब मैं इस सेटिंग में जो नोटिफिकेशन सेट के सामने वाला बटन चालू कर देता हूं। अब देखिए हम अपने फोन की लॉक स्क्रीन पे चलते हैं, तो ये लॉक स्क्रीन आ चुकी है। अब देखिए मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करूंगा ना, तो देखिए कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में कंट्रोल सेंटर को चेंज करके इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है।